धरती इनकलाबी लोगों की धरती अमरगढ़ सांझीवालता का प्रतीक इलाका मेरे नाल मंच ते कैबिनेट के साथी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह जी भुल्लर साहब अमरगढ़ तो विधानसभा दे विच चुने हुए विधायक वो अज है नहीं इत्थे गजन माजरा जी उन्हां दे परिवार वालों भी आए हुए ने प्रतिनिधि मलेरकोटला तो बहुत पढ़े लिखे MLA डॉक्टर जमीलू रहमान जी आम आदमी पार्टी के दर्जा बदर्जा औदर साहबान बहुत सारे चेयरमैन बहुत सारे साढ़े पार्टी के मूरलियां सफा के काम करने वाले रंगले पंजाब की टीम साड़ी मेरे सामने बहुत सारे साढ़े वॉलंटियर वीर बैठे ने जिला प्रशासन ते पुलिस दे अधिकारी सारे और अज इत्थे पहुंचे हुए सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे इस जिहड़ा ड्राइविंग सेंटर रीजनल ड्राइविंग सेंटर जिथे ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइविंग सिखलाई की वह तोलेवाल की धरती ते अज तैयार होया और बहुत डिजिटल ते अपडेटेड क्योंकि जमाने मुताबक चलना पऊगा समय दे हाणी बनना पऊगा। सड़कां बड़ियां हो गई गड्डियां दियां स्पीडां तेज हो गई और गड्डियां ट्रैफिक बढ़ गई तो फिर आए दिन एहो जे दर्दनाक हादसों दी खबरां आउंदियां ने जिहड़े कि रोके जा सकते हैं। मैं जदों पार्लीमेंट दे विच बतौर लोक सभा मैंबर दे तौर ते संगरूर दे लोकां ने जदों मैनूं भेजिया सी तो मैं उत्थों एक डाटा कढ़ाया मैंबर्स रेफरेंस सर्विस होंदी है एक तुसीं जिहड़ी चीज़ ते बोलना चाहुंदे हो तुसीं लिख के दे दो उहनां नूं वो तुहानूं कढ़ के दे दिंदे सारा डाटा। मैं ये पुछया कि पूरे देश दे विच हरेक स्टेट दे विच किन्नियां मौतां एक्सीडेंटां नाल होंदियां ने जो मैं डाटा मिले मैं पढ़ के दुख होया सब तो वध मौतां एक दिन च पंजाब च होंदियां ने 14 मौतां होंदियां ने जी सरकार दे डाटे मुताबक 70 तो 80 बंदे जख्मी होंदे हर रोज़ 14 नूं जे आपां महीने ना वंड लिए 420-425 हो गए जे साल कर दिए 54-5500 मौतां हो जांदियां बिल्कुल ही अणहोईआं जिन्हां नूं रोकिआ जा सकदा है। बाकी जिहड़े जख्मी हो जाते हैं जिस तरह मंत्री साहब कह रहे थे कि एक बार मंजे ते पै गए ना मरिया च ना जिउंदिआं च आपां जदों कोई एक्सीडेंट हुंदा कोई अपने भाईचारे जां कोई रब ना करे कोई इहो जिहा हो जाए आपां जाके यही गल करदे आं उत्थे बैठ जांदे आं जदों कि इहदी किस्मत च आई लिखिआ सी मैं इस गल का विरोध करदा नहीं लिखिआ सी वो किस्मत च आपां लिखिआ सिस्टम ने लिखिआ कितना कितने कोई घाट रही होगी वो मौत हुई है नहीं किस्मत दे विच इदां नहीं लिखा हो सकता। मैं बाहरले मुल्कां दे विच क्योंकि 17 साल की उम्र च तुसीं मैनूं मशहूर करता सी तां मैं पूरी दुनिया घूमिया मैं सारे देशों के सिस्टम भी देखे ट्रैफिक दे बहुत ज़्यादा ध्यान दिंदे आ ट्रैफिक वल सड़क वल
कि सड़क जिहड़ी है सड़क के उत्ते जिहड़ी दुर्घटना हुंदी है उहदी जे कोई हो जाए तो उहदी इन्नी जांच करदे आ उह ताकि अगे तो ना हो। सो असी आज जो ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं इस तरह के होर खोलांगे ताकि ड्राइवर नूं पता होवे गड्डी चला रहा हो कि मैं खुद भी बहुत सारी जिम्मेवारी लैके जा रहा तो सामने आने वाले भी उही जिम्मेवारी समझण। किसे अंग्रेज ने कोई किताब दे विच लिखा सी इंडिया दे इत्थे घूम के गया सी वो कहिंदा इंडिया दे विच ड्राइविंग दा इक ही रूल है भी ऐ सोच के गड्डी चलाओ भी जिन्ने भी मूहरों आ रहे ने पिछों आ रहे ने सज्जों आ रहे ने खब्बे आ रहे ने ये थोनू मारन आ रहे ने नाले तुसी आप बचना नाले उन्हां नूं बचाउणा है। ये चीज़ां पर बदलनिया पैणगियां। मैं आप जो मैं कलाकार के तौर पर उदों भी दिन रात सड़कों पर रहे हूँ तक हूँ भी सड़कों पर ही हाँ कोई शो कर जाते कदे कि कदे कि धुंध दे विच भी मेरा अज तक भी जिहड़ा मुंडा गड्डी चलाउंदा उहनूं एक सब तो पहली मेरी सलाह भी हुंदी है ते नाले कि भी इहनूं चाहे सलाह मान ला चाहे ऑर्डर मान ला जो मर्जी मान ला कि जिथे भी तैनू लगता कि मेरी अखा नींद आ रही है मेरी अखा बंद होंदी जा रही ने सुस्ती पैंदी है गड्डी साइड ते खड़ा के घंटा सौ जा दो घंटे सौ जा और शो करने वाले तो माफ़ी मंग लेंगे भी लेट हो गए पर जिंदगी दुबारे नहीं मिल सकती। सो इस करके नींद के दौरान जिहड़ियां घटनावां होंदियां ने उन्होंने तो हुण सिस्टम ही बहुत कमाल दे लाते डिजिटल सिस्टम लाते उन्होंने तो कनेडा अमरीका वाले ने तो क्योंकि असीं जांदे बहुत रहिंदे सीगे कनेडा अमरीका दो दो महीने टूर ते मैं अमरीका का ड्राइविंग लाइसेंस लिया पहला तो लिखती लेंदे ओ लिखती दे विचों पास होंगे तो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल लेंदे आ प्रैक्टिकल दे विच की है वह नाल बह जांदा तुहाडे ड्राइविंग लाइसेंस का जिहड़ा अधिकारी है वह इदां ही गड्डी चलाउंदा भी इत्थों खब्बे लै इत्थों चौंक वह नोट करी जांदा गलती दसदा नहीं फिर बार जो आउंदे आ वापस उदों दसदा भी तेरी तीन गलतियां सी किहड़ियां गलतियां सी मेरा एक दोस्त है उन्हें भी टेस्ट दिता गलती की सी गड्डी चढ़ाई ते सी उन्हूं कहिंदा कहिंदा रोक ला रोक के गड्डी बंद कर दे उन्हें गड्डी चढ़ाई ते बंद कर दी इदां कहिंदा चल बाद चल पे आके कहिंदा भी तेरी गलती सी जो गड्डी रोकी सी तू चढ़ाई ते तू तैनू गड्डी दे जिहड़े अगले टायर ने उन्हां नूं इदां मोड़ के बंद करनी चाहिए सी ताकि जे गड्डी थल्ले नूं ढलाण वल नूं जावे तां सड़क तो कच्चे लै जाए सड़क वाले पासे ना जावे किसी नूं मार ना देवे इत्थों तक ख्याल रखदे जी इन्नी छोटे छोटे गल्लां। मेरे कोल बहुत किस्से पए ने जी ड्राइविंग नाल संबंधित एक एक्सीडेंट होया अमरीका च बंदा मर गया उहदे वो बंदा जिहड़ा सीगा जिहड़ी गड्डी ने एक्सीडेंट होया उहनूं शराब पी के गड्डी चलाउंदा सी वो बच गया आप केस चलिया बहुत वड्डी सज़ा है ड्रिंक ड्राइव दी उत्थे तो उहदी घरवाली चली गई जिते फैसला होना सी बच्चे लै गई नाल दो कहिंदे जी वो तो गलती हो गई दो बच्चे छोटे छोटे ने रुल जाणगे जज कहिंदा कहिंदा जे यही बंदा इन्हें पिस्तौल नाल मारिया हुंदा मैं इहनूं घट सज़ा देने बारे विचार कर सकता सी क्योंकि जिहड़ा पिस्तौल लैके किसी खास बंदे नूं मारन गया वह तां घरों मथ के गया मैं आ मारना है कहिंदा यह दारू पी के शराब पी के ये गड्डी दे स्टेयरिंग ते बह गया इहदा मतलब तां इह एके 47 लैके बह गया इहदा पता ही नहीं किन्ने क मार दिंदा इस करके मैं कोई सज़ा च कमी नहीं करूँगा 14 साल की सज़ा दी। उत्थे की है सिस्टम की है
प्रधानमंत्री का चलान कटता सी कनेडा के प्रधानमंत्री का, कनेडा का प्रधानमंत्री छुट्टियां ते सी, ओवर स्पीड जा रहा सी, पुलिस वाला पिछों आया, उन्हें कहा गड्डी साइड ते ला लो जी, उन्हें पता नहीं सी कि पुलिस वाले नूं कौन है, गड्डी साइड ते लाई, उन्हें कहा जी लाइसेंस दो, लाइसेंस दिखा तो लाइसेंस दो तो प्रधानमंत्री नाम लिखा होया, तो वो कहिंदा भी मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ कनेडा का, $100 का चलान कट के उन्हें कहिंदा जी तुहाडे सामने ड्यूटी करके बहुत चंगा लग्या, आ लो $100 का चलान, तो आ मैनू आटोग्राफ दे दिओ, इतने कहिंदा जी देश नूं तुहाडी हजे बहुत लोड़ है, गड्डी ते स्पीड तो ओवर स्पीड ना चलाओ, आ बंदे ने जी अपना एक पंजाबी सी गड्डी चला रहा सी, रेड लाइट विच दी लंघ गया, पुलिस वाला के खड़ा सी उन्हें रोक लिया, वह पुलिस वाला जिहड़ा गोरा पुलिस वाला सी उहदा गुआंढी सी उस पंजाबी दा, बच्चे कट्ठे खेडदे सी आपस च गली च जानदा सी, उन्हें उन्हूं कहा कहिंदा यार आपां तां जानदे आं इक दूजे नूं, बच्चे कट्ठे खेडदे ने कट्ठे, आपां पीज़ा मंगाउंदे आं, फैमिली बहिंदी है, छड्ड दे यार रहण दे, उह कहिंदा जे मैं तैनूं ना जानदा हुंदा तां मैं $100 दा जुर्माना करना सी, पर क्योंकि मैं तैनूं जानदा तेरे बच्चों भी जानदा छोटे छोटे ने $1000 का करूँगा, क्योंकि मैं तेरे बच्चों जानदा, तू अज इतों बच गया, अगली लाइट रेड लाइट से जे तेरा एक्सीडेंट हो गया तो तेनों कुछ हो गया वह जिम्मेवार फिर मैं होऊंगा कि मैं पहली लाइट से चलान तेरा क्यों नहीं कटिया, आ आ डिसिपलिन है जी, इन्ह चीज़ा करके 40-40 लाख चक्की फिरदे एजेंटा को भी उत्थे भेज दो, ये डिसिपलिन जी आ जाओ ना साढ़े को इतने, फिर मैं एक होर तुहानू रौचक गल दसदा, उन्होंने की है ड्राइविंग लाइसेंस है नवा, उहदे विच पंज पॉइंट ने कंप्यूटर च पाता, पंज पॉइंट ने, फर्ज कर लो तुसीं कैलीफोर्निया च गड्डी चला रहे हो ओवर स्पीड फड़े गए तो उहने कंप्यूटर च पाया पुलिस वाले ने लाइसेंस, कहिंदे भी पंज हैगे ने अजे, चल कोई नहीं अद्धा कट लैंदे आ, 4.5 रह गए नाल जुर्माना करता, उही बंदा किसी होर सूबे च महीने बाद फिर ओवर स्पीड च फड़िया गया, उहदा पाया फिर आ गया, कहिंदा यार इहनूं 2 महीने पहला भी इहनूं वार्निंग दित्ती सी हटिया नहीं है, चल मैं एक कट लैना, एक उहने कट लिया, डेढ़ कट लिया, कितें रैड लाइट लंघ गया एक उहने कट लिया, 3.5 पॉइंट जे कट्टे जाण लाइसेंस कैंसल, लाइसेंस कैंसल दुबारे आओ ट्रेनिंग लाओ, लंबी ट्रेनिंग, वह इन्नी लंबी तो इन्नी थकाऊ ट्रेनिंग है बंदा पल पल याद करता यार की यार उदे एक्सीलेंट तो पैर ही चक लेंदे कि गल सी, दुबारे जिंदगी नहीं फिर करता गलती है जी, फिर थोड़े 2.5 नंबर कट्टे हुए ने या 3 नंबर कट्टे हुए ने, कोई नौकरी निकली उत्थे तुसी नौकरी वास्ते अप्लाई करता, तुसी बिल्कुल सही हो उस नौकरी नूं लैण वास्ते, सारियां शर्तां पूरियां करदे हो, अखीर च कह दिंदे ने कैन आई सी योर ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज, वो लाइसेंस देखते जो मारते कंप्यूटर च, ओ नो कहिंदे बाकी सब कुछ ठीक सी, तेरे तो चलान ही बहुत होए हुए है, 3 नंबर कट्टी बैठ फिर इहदा मतलब तू सड़क ते गलत बिहेव करदा है, एक दूजे मूर्ति लंघन की कोशिश करदा है, रूल तोड़दा है, फिर जे तैनू रख लिया तू ऑफिस च भी ऐं करेगा, वह कहिंदे जो सड़क ते तुहाडा विहार है लोगों नाल उही तुहाडा आम लोगों नाल दफ्तर च, इहदा मतलब यह हो गया कि जे तुसीं रैड लाइट चो लंघदे हो तो समझ लो उहदी नौकरी नूं लत्त मारदे हो, देख लो इत्थे तक जोड़िया होया उन्होंने इंटरलिंक कीता काम, अपने लाइसेंस करी आ जांदा है वे इन्ने पैसे दे दो, किन्नियां अणहोईयां मौतां होईयां ने इन्हां कलमां करके, टैलेंटड बंदे क्योंकि एक्सीडेंट जिहड़ा ना वो देखता नहीं है कि गड्डी च कौन बैठा है, साढ़े पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े साहित्यकार, सो एक्सीडेंट ने नहीं देखना, सुनो पर घटाया जा सकता है, जदों जसपाल भट्टी जी की डैथ हुई सी एक्सीडेंट उदों सरकार ने पंजाब की सरकार ने
138 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ 138 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। 138 ਦੇ 38 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋੜ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ 14 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਉੱਥੋਂ, 14 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਸਟ ਸੀਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਰ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, SSF। ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਨਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ ਜਾਂ ਭੂੰਗ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ। ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਈਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਘਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਆਪੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਬਿਪਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ DGP ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ।
नहीं तो पहले चोरियां मनाते छुट्टी मिलती नहीं एक दूजे ने बदलाते भी तू अज मेरी थान पर कर ला ड्यूटी मैं जवाकों का जन्मदिन मना ला और जन्मदिन तो मना लेंदा जन्मदिन मनाने वेले वो फोटो नहीं पा सकते फेसबुक से क्योंकि पता लग जू तू कि ड्यूटी से चोरियों जन्मदिन मना ला दसो कि गल है यार इन्हों भी समाजिक जीवन चाहिए ये भी इंसान ने सो असी सारे कट्ठे लैके चलेंगे जो तुम मेरी इस गल सहमत हो एक बार ताड़ियां मार के हौसला इन्हों का बता जो आप सुते पे होंने ए सी ला के उदों सड़कों पर ड्यूटी कर रहे होंगे ताकि अपनी नींद डिस्टर्ब ना हो जो आप हीटर ला के सुते पे पे होंने सर्दियों ये धुंध च खड़े ड्यूटी कर रहे होंगे जो आप दिवाली वाले दिन पटाके चला रहे होंगे इन्हें ड्यूटी सख्त होंगी उद्दे 15 अगस्त को अपने को छुट्टी होंगी इन्हें ड्यूटी सख्त होंगी है सो इन परिवार इन बच्चों भी प्रोपर तरीके मिलने का समा मिलना चाहिए जिम्मेवारियां हाँ ड्यूटी सख्त है कर भी रहे हैं तो इन्होंने ड्यूटी थोड़ी जी इस तरह की कर दो कि उस ड्यूटी को बहुत वधिया तरीके कर ना कि अद्धा काम आ हो गया अद्धा वो हो गया ये ना हो गया तो बाकी सरकार वालों बहुत वड्डी वड्डी योजनावां आ रही ने बहुत वड्डी खुशखबरियां मुलाजमान कल कैबिनेट है मानसा उत्थे फैसले होणगे मुलाजमान नाल संबंधित बहुत खुशखबरियां आउणगे चंगीआं खबरां आउणगीआं असी कह के सरकार तुहाडे द्वार असी कैबिनेट कीती इक लुधियाणे एक कीती जलंधर हुण कर रहे मानसा अगे बारी सारे पंजाब जाया करांगे कैबिनेट पूरे सारे मंत्री अपने अधिकारियों समेत उत्थे रहणगे आले दुआले दे पिंडां दे लोक उत्थे आ कैबिनेट तो बाद मिलन समस्यावां उत्थे ही दसण नाल दी नाल उत्थे ही हल होण जदों वोटां पैंदियां हुंदियां ने उह तां असीं डोर टू डोर भी जाने जो जित जाने कहने चंडीगढ़ आ जाओ क्यों चंडीगढ़ क्यों आईए बी थोड़े को चंडीगढ़ चल के आऊगा मैं वादा किया कि पिंडां चो कस्बे चो शहर चो चलूगी सरकार पहले दिन मैं बोलिया जो छापते उत्तों संगरूर वाले घर सो थोड़े को सरकार आऊगा सरकार थोड़े द्वार पहला पता ही नहीं लगता सी फैसले की हो गए की होंगी कैबिनेट पता ही नहीं सी किसी हुण दस्सिए भी भाई कैबिनेट च फैसला जिहड़ा हो गया मतलब कानून बनूगा वह सो बाकी उन्हां दा तुसीं गुस्सा ना करया करो तुरे फिरन दो उन्हां नूं होर की करन फिर जो लोग तो जफ्फियां पाउंदे नहीं आपस च ही पाउणगे फिर उन्हां लोग तो लगदे नहीं नेड़े इन्हां दे करी जाण तुहानूं जो कर विकास की गल करिए मुद्दों की गल करिए आने वाले दिनों हुण 16 तरीक तो झोने का सीजन शुरू थोड़ा जिला किहड़े जोन च आउंदा ये देख के बिजली की कोई कमी नहीं रहन देनी बिजली वाले पासों साडे ते छड़ दो मैं पहला भी गल कही अज भी कह देना मोटर बंद करके जीरी लाउण ला देंगे बिजली की कमी नहीं आउण देनी 52 दिन का कोला पिया साढ़े थर्मल सरकारी थर्मल प्लांटा को 52 दिन और होर देखो गोइंदवाल वाला प्राइवेट जिहड़ा थर्मल प्लांट उन्हां तो चलिया नहीं उन्हां दा बैंकरप्ट हो गया दिवालिया घोषित हो गया उन्होंने वेचना हुण वो आम तौर पर की करदियां सरकारां पहलां आउण सार सरकारी चाहे रेस्ट हाउस ने चाहे सरकारी कोई होर बिल्डिंग है प्राइवेट वालों बेच देंगे आपके मित्रां दोस्तों गंगा उल्टी बहू हुण 15 जून तक आखिरी तरीक है पंजाब सरकार भी गोइंदवाल वाला थर्मल प्लांट खरीदने वास्ते एक टेंडर पाऊगी अभी खरीदा क्योंकि सानू कोला सस्ता पैंदा पछवाड़ा झारखंड च पछवाड़ा कोले की खान है अपने पंजाब की पहले बंद पई सी 2015 तो अपने चला ली हुण कोला वह सरकारी नू दे सकदे आ बस प्राइवेट नू नहीं दे सकदे तो जे अपने कोले एक होर सरकारी हो गया 1.5 रुपया एक यूनिट मगर बिजली सस्ती हो जाएगी कोला वरत्या जाऊगा अपने को एहोजियां प्लैनिंगां बनाई दी होंदियां जे दिल दे विच कोई बेईमाना ना हो लुट के पंजाब नू लुट के सारे खजाने
हुण कही जांदे ने ऐ ना करो जी, ऐ करो जी, ऐ ना करो जी, ऐ करो जी। लो दसो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कोरा जवाब दे के आया मैं असी नहीं लैंदे कोई कॉलेज, तुसीं आदा किते होर बना लो। तो एक दिन पहला मैनूं कह के हटे सी श्रोमणी अकाली दल वाले, कहिंदे थोड़ा सावधानी नाल जाया करो, कहिंदे तुहानूं घेर ना लैणे इस मामले च हरियाणे वाले। उहदी फिर चिट्ठी आ गई मेरे कोल 2008 दी, बाल साहब ने लिखी सी, कहिंदा बना दो सेंटर ना कोई चक्कर नहीं। बाद च कहिंदे हाँ लिखी तां हैगी सी, पर जदों बाल साहब नूं पता लग्गिया वी इह तां खोह लैणगे, फिर कहिंदे बहुत सियाणप वरते हुए बाल साहब ने वापस लै ली सी चिट्ठी। क्या जी इन्नी सियाणप वरतनी सी, लिखनी क्यों सी? मेरे वांगू जवाब दिंदे। सो वीरो पंजाब दे हक्कां लई जिथे खड़ना पिया खड़ूंगा, जिथे लड़ना पिया लड़ूंगा। पंजाब दे खजाने नूं जिन्हें एक रुपये का भी नुकसान किया, जिथे फड़ना पिया फड़ूंगा, जिथों फड़ना पिया फड़ूंगा, जिन्हों फड़ना पिया फड़ूंगा, चाहे साडे मेरा कोई आपका रिश्तेदार होवे, नहीं बख्शा जाऊ। सवा साल हो गया मेरे मूहों कदे गल सुनी है तुसीं भी खजाना खाली है? ये जदों भी आउंदे सी खजाना खाली है, खजाना कादे वास्ते फिर यार गल्लां कोई वो जिहा जी नीत हुंदी आ उहो जी हो जांदा। फिर परमात्मा कहिंदा उई जे इहो जिहियां माड़ियां नीतां आणियो फिर खजाने च मैं पाउंदा भी नहीं कुछ। जदों लोकां नूं वंडी जाओ तां खजाना भी भर जांदा है, खजाने च कोई कमी नहीं। आ हुणे मैनूं मंग पत्र क्या कहिंदे वी अमरगढ़ वाला बाईपास है, कहिंदे दो बनाए ने एसटीमेट। मैं किहड़े किहड़े? कहिंदे इक तां 32 करोड़ दा सड़क उहदे च घट चौड़ी होणी, एक 45 करोड़ का जोड़ा बस तुम बस कर दो जी। मैं 32 वाला क्यों करिए हूँ, फिर 45 वाला करा बाईपास बनावे। साढ़े गुरु जिन्हों के असी नक्शे कदमों से चलना, साढ़े गुरु तो 13-13 तोलते रहे हैं, आ जा भाई सब कुछ तेरा तेरा, तो जनता दा भाई, जनता दा पैसा, जनता दे नाम। ये जिहड़े सी इन्होंने उल्टा करिया सी, मेरा जिहड़ा भी है मेरा ढाबा, मेरा बसा, मेरिया कालज, मेरे गोलगप्पे वाली रेहड़ी भी मेरी, रिक्शा भी मेरा। पता नहीं तो धर्मराज नाल गल हो गई इन्हां दी, कोई चिट्ठी चुट्ठी ना कढ़ाई फिरदे होण भी तां थोड़े जिहड़ा पैसा ना आ सकदा है। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। कोई नाल नहीं लैके जांदा इत्थों, आखिरी कपड़ा जिहड़ा मिलदा उहदे कोई सियाउण नहीं बची हुंदी। तो जिन्ना पिछे पाप कमाए किथे गए तेरे घर दे? मियाँ मुहम्मद बख्श का लिखा हुआ कलाम है, जिन्ना पिछे पाप कमाए किथे गए तेरे घर दे, पैर पसार पैं विच वेड़े चको चको कर दे। उन्ना पिछे दिन रात ठगियां मारी जांदे रहने हो भी ऐं कर दिए जवाकां वास्ते ऐं कर दिए, जिद्दे सह नहीं आया वह घंटा घरे नहीं रखते थोनू, वह तो कहन लग जाते ने भी नियामतपुर वाली भूआ परसों आ जाऊगी फुलां ते तुसीं चक्कोगे ना। सो इस आता अपना पानी का बुलबुला तो हैगी जिंदगी। आदमी आ दमी, दम आ गया तो आदमी, जे दम ना आया तो बस आदमी। इंसाफ का दिन नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चों डर नहीं जाता। मैं उन्होंने कहना चाहना कि रात लंबी होने का मतलब सूरज मर नहीं जाता। जिन्हों को लखों करोड़ ने मैनू बुलाते पे ने जा सकता हाँ पर नहीं जाता, साहां दा भार ही सब तो वध भारी है मैं परख लिया। जरा सोचो लोगो डुबण तो बाद बंदा तर नहीं जाता, भार भार कि चीज का सहां का, जो सह खत्म हो गया बंदा तह आ जाता, यह मतलब भार तो सहां दी चक्की फिरते हैं।
ਸੋ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਹਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਈਏ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੱਗਣਾ ਪੂਰਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਤੋਲਾ ਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਲੇਵਾਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਚੀਮਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਲੇਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਲੇਵਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਲਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜੂ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘਟਾ ਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਐਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ 3। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। 3 ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ 33-34% ਪਾਣੀ, ਸਿਰਫ 33-34% ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੈਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 70 ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, 70% ਤੱਕ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ, ਘਟਾਉਣੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ 500 ਸਾਲ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ 3 ਦਰਜੇ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਹਵਾ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
हर गल से कानून ना बना पवे। ल हूँ नवा रवाज चला लिया कणक के नाड़ भी अग ला लग गई। एज थोड़ा साथ आ दो ना हूँ तू थोन तो ए लगता गया जिमें भी मतलब सरकार ही करे सारा कुछ असी नहीं। पहला तो धूं अपने जवाकों के फेफड़े बच्चे लंघता हो बाकी तो होर जाता बाद च कि। सो इस करके मैं कहना रंगला पंजाब ताइयों बनूंगा जे रुख भी होणगे जे फुल फुलां दी जिहड़ियां क्यारियां होणगियां गिद्दे भंगड़े पैंदे होणगे लोगों को नौकरियां होणगियां लोग खुश होणगे। हासा जिहड़ा ना वह उपरला नहीं होना चाहिए। हासा तुहाडे हालातों चों तुहाडे हालात इन्ने वधिया हो जाण कि तुसीं अंदरों ही खुश नजर आओ लगे पता भी हाँ यार आ मेरे बजुर्ग बैठे ने मेरे दादा जी की उम्र के बैठे ने मेरे ताया जी की उम्र के बैठे है मेरे चाचे की उम्र के बैठे मेरे बाप की उम्र के बैठे है। जाना तो दुनिया तो हरेक ने रहना तो है नहीं इतने किसी ने पर मैं इन्हों एक वादा करदा परमात्मा समत बख्शे नीमा होके गल कह रहा कि दुनिया ते जाण तो पहला थोड़ियां अखां नूं इह दिखा दूंगा कि साडा पंजाब ते साडा परिवार पटड़ी चढ़ गया सी साडे जिउंदे जी। सो बहुत तुसी इन्ना मैनूं प्यार दे रहे हो इहदा कोई मुल है? इहदा किसे करंसी च कोई मुल है? अज दे जमाने च भाई नूं भाई नहीं पछाणदा जी। अज दे जमाने च मेरी गड्डी ते फुल सिट रहे हो मावां सिर पड़ोसदियां ने पुत जिउंदा रहे भैणां दुआवां दिंदियां ने। मैं तां कदे कदे सोचदा हुन्ना भगवंत माना कई जन्म लै के भी हरेक सांह तो बाद धन्नवाद कह के भी लोगों के प्यार का करजा नहीं ला सकता जिन्ना करजा तुसीं मेरे सिर प्यार वाला चढ़ाता जिहड़ा मेरे सिर। सो श्री अकाल वाजवा। सो इस करके किते मैं पंजाब की गर्दन नहीं झुकन देनी किते पंजाब के लोगों की गर्दन नहीं झुकन देनी किसी वालों। अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है पर समुंदर दे विच जाके वह मर जाता है। गर्दन सीधी रखण का मुल तो रहे जनाब बिशर्मा का तो नीवी पा के जा जफ्फी पा के भी सर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मेहरबानी दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दो इनकलाब बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक मिनट लई बैठ जाओ और एक मिनट ही लेना थोड़ा। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार कुलवंत सिंह जी गजन माजरा मान साहब का धन्यवाद करेंगे जी। अज साढ़े आम पार्टी की रीढ़ की हड्डी समझे जाते वर्कर इन्नी गर्मी च भी मान साहब सुनने लिए बैठे रहे ने बहुत प्यार है। असी मान साहब का साढ़े हल्के पहली बार आने पर बहुत बहुत दिल दिया कराइया तो धन्यवाद करते हैं। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। देश दुनिया दियां नवियां ते ताज़ियां तरीन खबरां लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो लाइक करो ते बैल आइकन ते क्लिक जरूर करो।